विदिशा में जन सुनवाई में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मुखर्जी नगर निवासी विकास श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से लिखित शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें नेत सिंह द्वारा जमीन दिलवाई गई, जिसका सौदा 5 लाख बीघा के हिसाब से हुआ था। वहीं बयाने के तौर पर 2 लाख दिए, उसके बाद चेक से सारा पैसा दिया गया। बाद में जब नामांतरण करने पहुंचे तब नामांतरण नहीं हुआ और खारिज हो गया। उन्होंने बताया कि जमीन पर केस चल रहा है, साथ ही विकास श्रीवास्तव ने करीब 30 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ है, पैसे भी वापस नहीं किए, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने मामले में SP से मिलने की बात कही। हमारे पड़ोस में नेत सिंह करके रहते हैं, उन्होंने हमको जमीन, हम रिटायर्ड हुए, नौकरी से रिटायर्ड हुए, तो हमारा जो पैसा मिलता था, हमने कहा उससे कुछ जमीन ले लेते हैं विदिशा के पास में, एक अपनी जमीन में देखेंगे, अपना समय गुजारेंगे। तो नेत सिंह ने बोला हाँ सब जमीन अच्छी, मेरे पहचान के है सुमेर सिंह बादवानी करके, उनकी जमीन बहुत अच्छी पास में लश्करी के प्रति है, वो ले लेते हैं। तो मैं वहाँ पे उनके साथ जमीन देखी वगैरह हमने, और वो जमीन का सौदा हमारा हो गया 5 लाख रुपये बीघा के हिसाब से सौदा तय हुआ। उन्होंने जमीन दी और उसके बाद हमने उनको जो टोकन मनी जैसे वो दी थी 2 लाख रुपए पहले चेक से दिए, तो टोकन मनी बाकी जो पैसा और देना था वो दिया और चेक भी दे दिया हमको। और बाद में जब नामांतरण कराने हम लोग पहुँचे तो मालूम पड़ा नामांतरण हुआ नहीं, खारिज हो गया वो हमारा। तो मालूम किया क्यों खारिज हो गया, तो मालूम पड़ा उस जमीन का केस चल रहा है। तो पैसा भी हमारे साथ 30 लाख रुपये करीब हमारा चला गया और जमीन भी नहीं मिली हमको। अब हमसे बात करी कि हमारा पैसा वापस कर दो, तो बोलते हैं हाँ वापस कर देंगे, फिर बोलते हैं हम नहीं कर रहे था वापस कोई। ये पापा यहीं पे रहते थे विदिशा में, तो फिर रिटायर हुए तो वही जमीन वगैरह ली। हम लोग भोपाल में रहते हैं, तो अब ये जो भी धोखाधड़ी वगैरह हुई है पैसे वापस नहीं कर रहे वो लोग, तो फिर अब वो धमकी भी देते हैं, उनका भाई कोई है बड़ा जो भी है, तो धमकी वगैरह देते, तो उनको अकेला यहाँ छोड़ भी नहीं सकते। अब खरीदी थी हमने, हाँ, लेकिन जो जमीन है वो उस पर कुछ विवाद चल रहा है, किसी और का कब्जा वगैरह है। हाँ, तो अब हमने मतलब जमीन तो नहीं चाहिए, पैसे वापस मिल जाए जो भी पैसे लिए थे हमने। पैसे दे दिए 30-32 लाख दे दिए थे, तो उसके बाद हमें पता चला कि धोखाधड़ी का है ये।